जर्मनी में हर दिन 150 बच्चे मारे जा रहे थे। कौन उभर रहा है, आप कह रहे हमारे यहाँ उभर रहा है। सुनिए, हिटलर की जर्मनी, हिटलर की नाजी रिजीम में हर दिन 150 बच्चे मारे जा रहे थे लगभग, और अभी इसराइल हर दिन लगभग 178 बच्चों को हर दिन मौत के घाट उतार रहा है। इसराइल वो रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। नेतन्याहू की खुद की जनता नेतन्याहू से परेशान है। नेतन्याहू पर हमारी जनता की, हमारी डिमांड है, दुनिया की सारी जो मेहनत कर जनता अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए मांग उठाए, और नेतन्याहू को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में वॉर क्राइम्स के लिए, अलग अलग चार्जेस के लिए उसको ट्रायल किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, और इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। सबसे पहले तो पैलेस्टीन की जनता को न्याय मिलना चाहिए, ये युद्ध विराम होना चाहिए, 13,000 लोगों को मौत के घाट उतार देना और लगातार न्याती आम जनता पर अटैक करना, ये युद्ध नहीं है, ये जेनोसाइड है। इस जेनोसाइड को रोका जाना चाहिए, वरना आज हम 21वीं शताब्दी में जितनी भी प्रगति की, हम उनके चैन की, शांति की, न्याय की बात करते हैं, वो सारी बातें ढकोसला है। आज हम देख रहे हैं, हम मच्छरों को मारने के लिए न्यूक्लियर बम नहीं गिराते हैं, तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है ये तो जेनोसाइड हो रहा है, ये सारी बात है, ये कोई आतंकवाद पर हमला नहीं है। युद्ध नहीं रुकेगा 4 दिन। देखिए, जिस तरीके से जंग जारी है और अभी तक 10,000 से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है, तो ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जो जंग है, जो साम्राज्यवादी ताकतों के बढ़ावा देने के लिए जो जंगें हो रही हैं, जिसमें उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, और जो जायनवाद है, जिस तरीके से हिंसा और इस तरीके का जेनोसाइड अभी तक इसराइल में है, जिसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, यूएन भी चुप्पी साधी हुई है, तो इन सब मुद्दों को देखते हुए हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि इसराइल में जो जंग है, जो लगातार जंग जारी है, जिसमें नरसंहार को इस तरीके से एक आम तरीके से दिखाया जा रहा है कि इसको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, इसको यूएन ने की चुप्पी है, तो इन सब हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि वहाँ शांति कायम हो, विश्व में शांति कायम हो, और जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जो पूरे विश्व को नचा रही है, सिर्फ चंद पूंजीपति हैं जो अपना साम्राज्य वर्चस्व रखने के लिए जो युद्ध जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, हम यहाँ पर उसका विरोध करते हैं और युद्ध को खत्म करने की मांग करते हैं और शांति कायम करने की आवाज उठाते हैं। ऑक्यूपेशन है फिलिस्तीन का, ये सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के कारण हुआ है, और इसीलिए हम आज भी यही कर रहे हैं। इससे 3 महीने पहले भी हम यही कर रहे थे, जब से ये हमले शुरू हुए हैं हम यहाँ खड़े हैं और हम अपनी आवाज उठाते रहे हैं, और हम अगर ये नहीं रुकता है तो इसराइल के और नेतन्याहू के खिलाफ, उनको जेल भेजने के खिलाफ यहाँ से आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी लाखों जाने गई है, जितने गाजा में बच्चे मरे हैं, मारे गए हैं बॉम्बिंग में, अगर उनको देख के किसी का दिल नहीं दहल रहा है तो ये कैसा, कैसी इंसानियत है, कैसी कैसी देश है ये, जो लोगों की जनता की आवाज नहीं सुन रहा है, तो हम इसके खिलाफ आज यह प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ उस तरह से नहीं दिख रहा है, हो रहा है और भारत में लगातार होता आया है। ये तो भारत की सरकार की कमी रही है कि इन्होंने अपनी जनता से आवाज सुनने की जगह उसको दबाने की बार बार कोशिश करी है। बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों पे FIR दर्ज कराई जाती है। मैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन के लिए आई हूँ, हर बार आई हूँ, और मैंने देखा है कि भारत का जो सरकारें हैं वो लोगों की आवाज को चुप कराने की साजिश में जुटी हुई है। दुनिया भर में देख रहे हैं, हमारे देश में, हमारी भारत सरकार के अंदर देखते हैं, पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि कोई फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में उनकी भलाई के करते हुए पाया जाएगा तो उसको पुलिस जेल में डाल देगी। इस तरीके के जो हमारे सामने फैसले आ रहे हैं, देखिए समर्थन में आने के बावजूद भारत जैसे देशों से जो राहत सामग्री भेजी जा रही है गाजा में, वो गाजा तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि अभी भी इसराइल ने अपना पूरा ब्लॉकेट जारी रखा हुआ है। वहां के अस्पतालों के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, गाजा एक मेजर डिजीज आउटब्रेक के ब्रिंक पर है। किस तरीके से यहाँ पे भगदड़ मच, फिलिस्तीनियों को न्याय दो।